नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। आरओ वाटर कूलर में हुआ लाखों का भ्रष्टाचार, जनपद पंचायत देवरी का मामला। मध्य प्रदेश के सागर जिले में देवरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के पंचायतों और बीआरसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदि स्थानों पर जनपद सदस्यों व अन्य राशियों से करीब 39 स्थानों पर आरओ वाटर कूलर लगाए जाने थे, जिनकी लागत करीब 21 से 25 लाख थी। परंतु आरओ वाटर कूलर मात्र 10 से 15 स्थानों पर ही लगे हैं, बाकी लगाए ही नहीं गए हैं, और जो लगे भी हैं उसमें भी कई बंद पड़े हैं तथा उनकी लागत कीमत से 3 गुना अधिक राशि के बिल बनाकर राशि निकालकर भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इस पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ सागर से हो चुकी है। सभी ने जांच कराकर कार्रवाई कराने की बात की है। आरओ भ्रष्टाचार मामले में यदि सही जांच होती है तो बहुत से पंचायतों के सचिव, सरपंच व स्कूल के प्रधान अध्यापक के साथ अन्य लोगों के फंसने की भी बात सामने आ रही है, जिसमें जनपद पंचायत में हड़कंप मचा हुआ है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैसी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बनिया कुमार धर्मे। अच्छा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप किस पद पे हैं? प्रभारी प्राचार्य जी। आपके स्कूल में जो आरओ लगाया गया है, ये स्कूल के मत से लगा है या पंचायत के? या नहीं, जनपद पंचायत के माध्यम से आरओ लगाया गया है। वो जनपद पंचायत के माध्यम से। अच्छा, ये बंद पड़ा हुआ है, कब से ऐसा है? ये बंद तो चालू होने के बाद कुछ दिन के बाद बंद हो गया, जब से लगाने के 1 माह के बाद बंद हो गया। अच्छा, इसकी लागत कीमत कितनी है? अब इसकी लागत कीमत तो राशि आई थी 1,49,000। अच्छा, हमने जैसे आई थी वैसे जनपद पंचायत वाले को चेक के माध्यम से राशि दे दी गई। अच्छा, किसको दी थी राशि? जनपद अध्यक्ष। कौन है? जनपद अध्यक्ष आंचल आठिया। ये जो आपके यहाँ आरू लगाया गया है, इसकी कीमत तो करीब 30 से 40 हजार होगी हद से हद। आपने जब चेक बना के दिया उनको, जो राशि आई उधर से, हाँ, जितनी राशि आई उतने के हम लोग चेक दे दिए। नहीं नहीं, वो आपने सही है, लेकिन आपको एक जानकारी अनुसार ही तो आपको पता है 30 से 40 हजार का होगा कम से कम। लेकिन उधर से यही जानकारी दी गई कि भाई इतनी राशि मैंने इतने के, ये मतलब जो राशि डाली गई थी वो तो सीधा उतनी राशि का चेक बना के आपको दिया गया। यहाँ से आपको जानकारी दी गई कि भाई इतने के ये, मतलब जो जो भी जैसे आरू लगाया गया वो भले ही कितने कीमत का हो, लेकिन जो राशि डाली गई है वो आपको उतनी डालना पड़ेगा, चेक बना के देने पड़ेगा। तो हम लोग राशि दे दी, मैंने चेक दे दिया। क्या नाम है आपका? उमा चंद्र। अच्छा, आप किस पद पे हैं? जनपद सदस्य। अच्छा, किस जगह से हैं? वार्ड नंबर 13 मराकपुर। अच्छा, ये जो जनपद द्वारा जो आरू लगाए गए हैं इसमें आपने भी राशि दी है? 4 लाख रूपये। ये जहाँ जहाँ लगे हैं आपको है जानकारी, आपकी राशि से जो आरू लगाए गए हैं मालूम आपको? महाराजपुर को मालूम था, तो कुछ आरू नहीं। अच्छा, महाराजपुर में आपके जहाँ जहाँ लगे हैं, जैसे उत्कृष्ट स्कूल हाई स्कूल में लगे हैं आपके, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, छात्रावास में लगे हैं? तो जी आपके जो आरू लगाए गए हैं जे आपकी राशि में, उन आरू में लगभग हर आरू में 50-50, 60-60 हजार को भ्रष्टाचार भाव है जी। अधिकतर लोगों के आरोप भी हैं, शिक्षक और सचिव भी कह रहे हैं जी कम लागत के लगाए गए हैं, बिल बने गए हैं पूरे, बिल बने गए हैं, भी नहीं है। तो आप इस संबंध में आपको क्या कहे, मतलब जो आरोप आपकी राशि में लगाया गया सही लगे हैं या कहू में भ्रष्टाचार भाव है? भ्रष्टाचार भाव है। अच्छा, आपने राशि कौन लगाई थी? अध्यक्ष है अध्यक्ष अंचल आठ। अच्छा, तो वहाँ पे सर जो देवरी जनपद पंचायत के अंतर्गत जो स्कूलों में, पंचायतों में और अन्य जगह पे जो आरोप लगाए गए हैं उसमें भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जो शिकायत टीचर लगातार प्राप्त हो रही थी समाचार पत्र के माध्यम से, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमारे द्वारा अभी तक उसमें सभी स्कूलों का पत्र लिख दिया गया है, वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं
उनसे हम प्रमाणीकरण मांग रहे हैं कि उनके आरओ लगा है या नहीं लगा है, और अपने उपयंत्रियों को भी हमने वाटर स्थिति से अवगत कराने के लिए पत्र लिख दिया है, और इसमें जैसे ही आगे जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार कार्रवाई की। सर उसमें कुछ जो आरओ के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कीमत उसमें दर्शाई गई है बिल में, उससे बहुत कम कीमत के आरओ हैं वो। ये जो जांच दल बनाया है इससे हम पहले प्रमाणीकरण करवा लें पूरा, और उसके बाद किसी स्टैंडर्ड कंपनी से स्टैंडर्ड रेट जो होते हैं उनके जी उसका मूल्यांकन करवा के और उनसे प्रमाणीकरण ले के उसके बाद आगे की कार्रवाई की है। जी सर, क्या नाम है आपका? हमारा तुलसीराम अहरवाल, वार्ड नंबर 10 से जनपद सदस्य हैं, और हम लोगों जो राशि। अच्छा, ये मामला चल रहा है जनपद देवरी में जो आरओ लगाए गए हैं जी स्कूलों में और अन्य जगह पर, इनमें कम लागत के वे आरओ लगाए गए, कीमत 50,000 निकाली गई है, कहीं कहीं लगा ही नहीं गए हैं। अरे भैया वो मैं भ्रष्टाचारी भाई है, हम लोगों को वो पेमेंट दिया जाता, हम लोग सोचे जमीनी तौर से अच्छा है, इसको लोगों को फायदा मिले, लेकिन इसका सदुरूप हुआ है, और हम तो ये चाहते कि इसकी अच्छी तरीके से जांच की जाए।